हेलो गाइस, हमारा 3 दिन से कॉलेज का छुट्टी चल रहा है। मैं गामा हॉस्टल में रहता हूँ। आज फिर छुट्टी के कारण से हम लोग घूमने जा रहे हैं सेंट्रल मॉल। आप देख सकते हैं कि मौसम कितना अच्छा मौसम है, इसलिए हम लोग घूमने आए थे। पूरा बारिश की मौसम है और पूरा ठंडी लग रही है। हम सब एक ही नहीं, पूरा दो हमारे दोस्त सब जा रहे हैं। वैसे मौसम बहुत अच्छा मौसम है, पानी बनने वाला है। अभी आप सेंट्रल मॉल में जाके तब अभी हमने बताया था कि मौसम एकदम पानी पड़ने वाला मौसम है। और आप देख सकते हैं पानी भी बहुत तेज, बारिश भी होने लगा है। देख सकते हैं बारिश हो रही है, कितनी तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है। मोबाइल में नहीं दिख रहा, देखा था, बताया था कि पानी पड़ रहा है, इसलिए चल के नहीं जा सके, सीटी ले लिए। और देख सकते हैं आप, देख सकते हैं आप, हम सिटी में जा रहे हैं और पानी भी पड़ रहा है। पानी इतना तो नहीं पर उतना पड़ रहा है कि भीग जाएंगे, इसलिए आप सेंट्रल मॉल जाके तो आप सब देख सकते हैं। फाइनली हम सेंट्रल मॉल तक पहुंच चुके हैं। ये हमारे पीछे सेंट्रल मॉल। इधर अभी पानी के वजह से इतना पब्लिक तो नहीं। गेम जोन में ले जा रहे हैं, अभी नया नया भाई आया है, भाई को गेम खिलाने के लिए ले जा रहे हैं। ये गेमिंग जोन का पूरा एरिया है। इधर ये गाड़ी वाला गेम है, ये बास्केटबॉल, और ये कौन सा गेम है उसका मुझे इसका नाम नहीं पता, पर ये बंदूक वाला गेम है। मुझे खेलने का मन कर रहा है भाई ये गेम, हैमर। ये VRS वाला गेम, वीडियो गेम, भाई को खिलाने के लिए लाया हूँ दूर से। भाई टिकट का ले लिया, भाई बहुत महंगा है। भाई खेलने के लिए इंटरेस्टेड हो ना? हाँ, अभी दिखाता हूँ भाई को। अभी मेरे भाई जा रहा है, देखते हैं भाई का न्यू एक्सपीरियंस। बोल इस गाड़ी भाई, फुल इंजॉयमेंट भाई, रेडी हो ना? ये भाई अब देख सकते हो भाई कितना एंजॉय ले रहा है, भाई पूरा अपने जोन में खेल रहा है भाई। वाह, फुल इंजॉय ले रहा है भाई। मैं भी गेम का मज़ा लेना चाहता हूँ, देखो मुझे बहुत अच्छा लगा ये गेम। इस गेम में मैं भी इस गेम का मज़ा लेना फुल लेना रे। भाई अलग लेवल का गेम था भाई, अलग लेवल यार। मेरी तो हालत टेंशन हो गई यार, धक हो गई, धक पूरा। डर लग भाई, बहुत मज़ा आया भाई। अलग लेवल का गेम था पूरा, बंदा इधर इधर से ज़ॉम्बी जा रहा था, इधर प्लेयर पे घुमाया यार, बहुत अच्छा लगा गेम, बहुत अच्छा। डर भी बहुत लगा। इधर भाई से पूछते, भाई का गेम कैसा लगा? कैसा लगा भाई, एक्सपीरियंस बता, कैसा लगा? जल्दी से सब ला रहा है, क्यों अच्छा नहीं लगा गेम? अबे भाई को तो माथा दुखने लगा भाई, पर गेम अच्छा है भाई। अब मुझे देख के मेरे साथी भी चाहते हैं ये गेम ट्राई करने के लिए। आप देख सकते हैं अभी से भी देखो इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है आने के बाद। हेलो भाई, रेडी है ना? आदिका भाई रेडी आ गया, आ गया, देख लो इसका रिएक्शन। देख भाई रिएक्शन, सबसे अच्छा रिएक्शन होता है गेम में। भाई इसका रिएक्शन जानते हैं भाई, कैसा लगा गेम? बहुत अच्छा। कैसा? बहुत अच्छा। डरावना लग रहा था? डर लग रहा था। हाँ भाई लगता है डर। इसलिए गेम खेलने के लिए एक्साइटमेंट है? बहुत एक्साइटेड भाई, बहुत एक्साइटेड है भाई, बहुत अच्छा। अब देख सकते हैं इसका एक्साइटमेंट कितना ज़्यादा है, अभी गेम खेल के पता चलेगा कि कितना एक्साइटमेंट इसको अच्छा लगा गेम। राहुल रेडी भाई?
इसका रिएक्शन जानते हैं, कैसा लगा भाई? बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक, बहुत डर लगा? डर लगा थोड़ा, जब ऊपर जाना चाहे तब डर लगता है थोड़ा सा। बहुत डर लगा। अभी जोन से बाहर जा चुके हैं हम और यहाँ सेंट्रल वन में घूम रहे हैं। 5-10 मिनट इधर रुकेंगे, लिफ्ट का इंतजार करेंगे, थोड़ी देर लिफ्ट में जाएंगे नीचे। सब आप लिफ्ट से किए हैं, सेंट्रल मॉल से निकल चुके हैं हम। आप हम सब जा रहे हैं सेंट्रल मॉल से इधर हॉस्टल। हेलो गाइस, फाइनली हम यहाँ सेंट्रल मॉल से आ चुके हैं। इधर अपना इंस्टीट्यूट, जो हॉस्टल का इंस्टीट्यूट है गामा इंस्टीट्यूट, उधर आए हैं। अब इधर हम उज्जवल भैया से आपको मिलाएंगे जो इधर रहते हैं। फाइनली गाइस, आप मिला रहे हैं अपने वार्डन जी और दाई। हेलो गाइस, ये अपना गामा इंस्टीट्यूट है, इसके बारे में आप भैया जी दो सब कहेंगे। जो विराट आयोई एज वेल एज गामा एकेडमी इसको नाम हो, है ना? इसमें चाहिए भन्नाले के हुन्छ भन्दाखेरि, इसमें एजुकेशनल प्रोग्राम सपोज ब्रिज कोर्स है विराट जो आयोई प्रिपरेशन नीट प्रिपरेशन है ये प्रिपरेशन क्लासेस हुन्छ, ट्यूशन क्लासेस हुन्छ है अनि यो कन्सल्टेन्सी पनि हो। कन्सल्टेन्सी यो स्टडी इंडिया अनि त्यस पछि अस्ट्रेलिया एब्रोड स्टडी को लागि जति कन्सल्टेन्सीहरु हुन्छ हैन त्योहरू यसमा हुन्छ, कन्सल्टेन्सी पनि हो। अनि यसको होस्टेल्सहरू पनि छ, गर्ल्स बोइज दुवै छ, बोइज होस्टल जेनिट कलेज नै छ होइन, अनि गर्ल्स होस्टल चाहिँ अर्लीको क्याम्पसको अपोजिट छ होइन, गामा गर्ल्स होस्टल भनेर गामा बोइज होस्टल गामा गर्ल्स होस्टल छ होइन। अनि यो कन्सल्टेन्सी चाहिँ हाम्रो मेन फोकस चाहिँ यो कन्सल्टेन्सी एजुकेसन र होस्टेल्स हो होइन, तपाईँले त्यसमा हेर्नुभयो होला होइन, कन्सल्टेन्सी एजुकेसन र होस्टेल भनेर दिएको छ। यो चाहिँ हाम्रो वर्ल्डिङ अफिसको ठ्याक्कै अपोजिट मा छ, संसारी म्याचानको वर्ल्डिङ अफिसको ठ्याक्कै अपोजिटमा विराट आयोई भनेर होला, विराट इन्स्टिच्युट अफ एजुकेसन प्राइभेट लिमिटेड होइन। यसको अर्को नाम भनेको गामा एकाडेमीले पनि धेरै चिनिन्छ, यो पुरानो एकाडेमी हो होइन, 18 वर्ष पुरानो एकाडेमी हो। आउनुहोस्, भिजिट गर्नुहोस् होइन, के कसो हुन्छ हामीलाई गर्नुहोला इन्फर्म होइन। जैसे कि आपने सुना इस इंस्टीट्यूट के बारे में, हाँ ये सब सही है, हम भी गामा हॉस्टल में रह रहे हैं। गामा हॉस्टल सबसे विराटनगर में सबसे अच्छा हॉस्टल है, रूल टाइट है, इधर खाना भी बहुत अच्छा है। फाइनली आज हम सब ने बहुत मौज किया, अब फाइनली हम हॉस्टल पुग रहे हैं। वही उसी का हॉस्टल है, इंस्टीट्यूट का हॉस्टल है गामा हॉस्टल। निकले हुए पूरे 4 घंटे हो चुके हॉस्टल से, आज उधर वार्डन से भी, उधर का भी वार्डन से हमको ताना मिलेगा भाई, कड़क वो भी कड़क वाला, देखते हैं क्या करता है वार्डन जी। तो गाइस, फाइनली हम अपना गामा हॉस्टल के पास आ चुके हैं, गामा हॉस्टल में चलते हैं। फाइनली हमारा ये गामा हॉस्टल है, जैसे कि हमने बताया था कि इधर आके वार्डन हम पे थोड़ा ऐसा है कि बोले कि कहाँ गए थे 4 घंटे तक, तो उसे बोला कि उसी का इंस्टीट्यूट गए थे उधर उज्जवल भैया से मिलने के लिए। उज्जवल भैया जो है सो वार्डन है, पर यहाँ जो है विवेक यादव जिसका ये हॉस्टल इंस्टीट्यूट, उस सबका प्रिंसिपल या फाउंडर कह सकते हैं। और जैसे कि हमने बताया है कि हॉस्टल में रहे तो हॉस्टल का टाइम फिक्स है, इधर आप खाने का टाइम हो गया है, 8 बज चुका है, इसलिए हम खाने के लिए जा रहे हैं। फाइनली हम खाना खा के आ चुके हैं, और खाना के बारे में तो हमने बताया था, खाना बहुत अच्छा होता है गामा हॉस्टल का, बाकी हॉस्टल की तुलना में इधर का खाना अच्छा होता है, इसलिए हम खाना तो खा के आ चुके हैं। हे गाइस, मेरी कॉलेज की नोट भी हो चुकी है और ये वीडियो भी एडिटिंग हो चुकी है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना। और 11 भी बज चुका है, इसलिए मुझे सोना भी है, कल कॉलेज भी जाना है, इसलिए बाय और गुड नाइट। बाय गाइस।